दोस्तों अभी मार्केट में एक नया फोन आया है जो कि काफी इसका चर्चा है मार्केट में, तो मुझे लगा इसके बारे में वीडियो बना के आपको जरूर बताना चाहिए। अभी हमारे हाथ में है ओप्पो K10 5G, इसके आपके कुछ स्पेसिफिकेशन बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे इसके साथ में क्या फीचर है और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसकी क्विक अनबॉक्सिंग आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहो क्योंकि इसका फोन की प्राइस जो है 70,500 रुपए मिलती है, यानी कि इसका प्राइस एक्चुअल 70,500, कुछ डिस्काउंट करके आपको कुछ 1,000-2,000 का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपके पास ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आपको कुछ इसमें डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन इस फोन की प्राइस एक्चुअल जो है 70,500 रुपए है। तो आपको बताऊंगा क्या ये 17.5 लाख फोन है या नहीं है, बने रहो इस वीडियो में, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसे डिस्प्ले की तरफ से। डिस्प्ले में आपको 6.4 इंच का आपको IPS डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले जो है बहुत ही आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्राइस पे आता है यानी कि 17,500 रुपए और डिस्प्ले आपको IPS दिया जाता है। आपको ये स्पेसिफिकेशन आपको एक बार वापस गूगल करके दिखा देते हैं अगर आपको नहीं पता है, शायद कुछ लोग इसका भरोसा भी नहीं करेंगे। चलो एक बार आपको इसका स्पेसिफिकेशन दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6.56 इंच का आपको मिल जाता है डिस्प्ले जो कि एक IPS डिस्प्ले है, LCD जो है IPS, और इसका जो है जो थ्रोटल रेट है यानी कि रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिल जाता है जो इस प्राइस रेंज में आता है। इसके कुछ फीचर आपको पीछे दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं इसका जो ओप्पो 10 5G है और साथ ही आपको इसका कुछ सीरियल और मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है। प्लस इसमें आपको मेन चीज जो आपका फ़ोन की दिल की धड़कन होती है यानी कि प्रोसेसर, ये फ़ोन आता है आपको 17,500 रुपये में, और 17,500 में आपको करके दिखाते हैं भाई इसमें प्रोसेसर कौन सा दिया है। हालांकि फ़ोन दूसरे से मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए लिया है तो चलो इसको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है Dimensity 800 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एक बात बताओ, आप 17,500 फ़ोन के लिए पे कर रहे हैं और आपको बदले में मिल रहा है ऑक्टा कोर 810। हालांकि ये प्रोसेसर इतना वीक नहीं है लेकिन ये जिस प्राइस पे आता है मैं उसके साथ जस्टिफाई करने की वो नहीं देता कि भाई इसके साथ जस्टिफाई कर रहा है। और इसकी रैम है, रैम तो इसकी 8GB है और प्लस इसमें आप 5GB तक बढ़ा सकते हो। लेकिन आप एक बार बताओ, अगर रैम इसको बढ़ाते हो, हालांकि इसके रैम से मुझे ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है क्योंकि रैम से कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि रैम फास्ट भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको रैम जो है वही पुरानी वाली ही दे देते हैं। आपको LPDDR4 की जगह 5 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें वही पुरानी वाली ही दे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से भाई आपको बेटर पॉइंट आपको नहीं देता। इसको कैमरा जो है इसका फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे आपको पीछे एक 48 प्लस एक समथिंग 5 का होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फ्लैश लाइट इसमें ज़रूर दिया है क्योंकि फ्लैश लाइट शायद डुअल है, और लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है इसकी फ़ोन के जो है एक चीज़ अच्छी है वो है इसकी डिज़ाइन। डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ दिखावा करना है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। बाकी इस फ़ोन की ना ही वीडियोग्राफी अच्छी है ना ही फोटोग्राफी अच्छी है क्योंकि इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और IPS LCD डिस्प्ले मिलती है आपको। प्लस आपको जो है इसका रैम वह पुराना वाला ही मिलता है और इस फ़ोन को आपको लेने के लिए पेमेंट करने हैं यानी कि 17,500 रुपये देने हैं। तो आप इसके अच्छा अगर आप लेना चाहते हैं तो Realme 8 की तरफ जा सकते हैं। हालांकि उसका एंड्रॉयड वर्जन थोड़ा डाउन है लेकिन वो पुराना फ़ोन है, साथ ही उसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ साथ उसमें जो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया है जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे जचता है। और इसका जो है एक चीज़ अच्छा है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, मैंने इसको टेस्ट करा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें एक समस्या और आ रही है कि इसमें ये प्रॉपर वोल्टी सपोर्ट को नहीं करा, यानी कि समथिंग इसमें अपडेट करने की जरूरत थी, तो इसमें थोड़ा ओप्पो को सिस्टम अपडेट करने की जरूरत है, अपने सिस्टम में जो है बग है उसे फिक्स करने की जरूरत है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ आप छूट गया इस वीडियो के बारे में तो मैं कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में इसका कुछ रिव्यू वगैरह कवर करने की कोशिश करूं। और इसका बाकी कैमरा वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आपको एक और इसके बारे में डिटेल में वीडियो समझाने की कोशिश करूंगा क्या इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है और इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, टोटल आपको अगली वीडियो में हम करके दिखाने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।